आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का, सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं, लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ जगत जननी माँ भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने इसको केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित न रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आज के दिन पर प्रासंगिक भी है। और इसीलिए इस परंपरा को भारतीय मनीषा ने वर्ष में दो बार वासंती नवरात्रि के रूप में और शारदीय नवरात्रि के रूप में महत्व दी है। अपराह्न में विजयादशमी का पूर्ण पर्व भी प्रारंभ होगा, मुहूर्त प्रारंभ होगा, उसके साथ ही विजयादशमी के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वासंती नवरात्रि की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है, तो शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के उपरांत दशमी की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।